काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि अंदर डालते ही निकल जाता है और फिर उसमें उनको मजा नहीं आता, उनको एक तरह की एक दहशत या डर बैठा हुआ है कि वो निकल गया तो फिर लिंग सिकुड़ जाता है, बाद में सेक्स नहीं कर पाते, फिर अपनी इज्जत खराब हो जाती है। वाइफ बोलती है क्या तुम बार बार तकलीफ देते हो, कुछ मजा नहीं आ रहा है, और फिर रिलेशनशिप खराब हो जाती है। मैं आपको भी बताने वाला हूँ ऐसी टेक्निक कि जो आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली जल्दी गिर जाना आपका बढ़ सकता है, मतलब उसका टाइमिंग बढ़ सकता है। तो आइए, 90% लोगों को जल्दी गिर जाने का जो प्रॉब्लम है वो है साइकोलॉजिकल। हो सकता है कि उनकी हाइपर सेंसिटिविटी है लिंग की, या फिर बहुत ज़्यादा उनका एक्साइटमेंट है और उससे वो निकल जाता है, और एक बार वो निकल गया बाद में उसकी हैबिट बन जाती है। तो इसके लिए करना क्या, दो तरीके से बताता हूँ। एक तरीका ऐसा है कि एकदम इज्जत का सवाल, बहुत ज़्यादा इज्जत का सवाल है कि भाई अभी आज तो जाना है, करना है, और आज जल्दी निकल गया तो मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी बीवी भाग के चले जाएगी, मतलब बहुत बड़ा इज्जत का सवाल हो गया। तो फिर हम बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, मास्टरबेशन करो जाने के पहले, हाथ से करो, बाद में दवाइयाँ लो और जाओ, मतलब एकदम इमरजेंसी कंडीशन हो गई है। तो ये तरीका पहला हो गया। दूसरा जो है वो है स्टॉप स्टार्ट टेक्निक, स्टॉप स्टार्ट स्क्विज टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही एक अवस्था आ जाती है कि अभी इसके बाद में कंट्रोल नहीं होगा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो उसके पहले घर्षण करना, हिलाना बंद करना पड़ता है और बाहर निकालना पड़ता है। यदि वो आपको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जमता नहीं है आइडेंटिफाई करना, तो आप थोड़ा सा अंदर डालो, थोड़े से अंदर बाहर करो, बाहर निकालो और बाद में उसको स्क्वीज करो। या यदि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक रुक सकते हैं तो वहाँ तक करो, वो आ गया उसके पहले बाहर निकालो, उसको दबाओ और ढीला करो। तो थोड़ा सा भी अंदर डालने के बाद में ऐसा लगता है कि निकल जाएगा तो बाहर निकालना है। और ये जो सामने रहती है सुपारी, ग्लांस पेनिस, उसके पीछे रहता है गड्ढा, अब वहाँ अंगूठा नीचे, देखो मेरे उंगली की तरफ देखो, ये पेनिस है समझो, अंगूठा नीचे और दो उंगलियाँ ऊपर, जो गड्ढा रहता है वहाँ, और ज़ोर से ये दबाने का है, ये ज़ोर से दबाने का है, और 30 से लेके पीछे 3 माइनस करके गिनती करना है, मतलब 30 से माइनस 3 27, माइनस 3 24, माइनस 3 21, माइनस 3 18, माइनस 3 15, माइनस 3 12, ऐसा पीछे 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 करना जब तक ये ढीला ना हो जाए। अब ये ढीला हो गया तो नेचुरली गिरेगा नहीं, और बाद में फिर खेलना है, फोर प्ले करना है, फिर इरेक्शन आएगा, फिर अंदर डालो और बाद में फिर घर्षण करो, ऐसा लगा गिर जाएगा, फिर बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद में फिर सेम रिपीट करना है। तो ये बहुत ही प्रभावी टेक्निक है, और 30 से लेके आप जब 3 तक आते हो या 0 तक आते हो तो फिर उस समय क्या करना है, उस समय फिर 30 से लेके पीछे गिनती करना है यदि ढीला नहीं हुआ है। तो यदि आपको वो भी आसान लगता है तो 100 में से 3 निकालो, 97, 3 निकालो, 94, 3 निकालो, 91, मतलब ऐसा उल्टी गिनती करना है। तो अपना दिमाग क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो उसमें लग जाएगा गिनती करने में और माइनस करने में, तो यहाँ का जो एक्साइटमेंट है वो निकल जाएगा। तो ये तरीका बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ये करते हैं तो आपको बिना दवाई का भी इलाज हो सकता है। ख्याल रखना है कि पहले फोर प्ले बहुत अच्छा करो, जिनका जल्दी गिर जाता है उनको बोलता है कि पहले फोर प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए, 5-10-15 मिनट तक फोर प्ले करो, अपने पार्टनर को बहुत एक्साइट करो, और बाद में फिर इंटरकोर्स चालू करना है, ताकि उसका भी समाधान हो जाएगा और आपका भी समाधान हो जाएगा। ये करके देखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, टेक्निक फ़ायदे का रहा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और वो अपना अपना सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छा कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।